जावित्री के फायदे और नुकसान। जावित्री का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, साथ ही साथ जावित्री से क्या क्या नुकसान है, आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं लतीफ़ कुरैशी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लतीफ़ कुरैशी बेस्ट गार्डनिंग। दोस्तों आज का वीडियो आपको जावित्री के फ़ायदे और नुकसान बता रहा हूँ। यह जावित्री आपको आपकी किचन में मसाले के रूप में देखने को मिलती है। आज मैं आपको इसके औषधीय फ़ायदे बता रहा हूँ, साथ ही साथ इसके कुछ नुकसान है भी बता रहा हूँ, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखें और इसको अपने मेमोरी में पूरा फीड कर लें कि जावित्री के क्या क्या औषधीय फ़ायदे हैं, ताकि आगे आपको यह फ़ायदे मिलते रहें। जावित्री आपको भूख बढ़ाने के लिए भी काम आती है। बहुत से बार ऐसा होता है कि आपके पेट में बाहर खाने से आपका पेट ख़राब हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, या किसी भी प्रकार का पेट में संक्रमण हो जाता है और आपको भूख कम लगने लगती है, या आप कई ऐसी दवाइयां खाते हैं जिससे आपकी भूख मर जाती है, तो उस समय भी यदि आप जावित्री का सेवन करें तो आपको भूख लगना चालू हो जाती है। गुर्दे में यदि किसी के पथरी विकसित हो रही है और यदि वह जावित्री का सेवन करना चालू कर दे तो वह गुर्दे की पथरी को भी गला कर ख़त्म कर देगी और गुर्दे किडनी या गुर्दे की जो संक्रमण की समस्या रहती है उसके लिए भी यह काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। यह ठंड से भी बचाने के काम आती है, साथ ही साथ खांसी का भी इससे इलाज किया जाता है। यदि आपको हल्का बुखार होता है तब भी यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। खांसी के लिए आप इसको खांसी की सिरप या कोल्ड रब को भी तैयार कर सकते हैं। इसी से यह मसाला अस्थमा रोगियों के लिए भी काफ़ी उपयोगी साबित होता है। इसके नुकसान में इसको सबसे पहले गर्भवती जो महिलाएं होती हैं वह इसके सेवन से बचें, स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी इसका सेवन ना करें। यदि आपको एलर्जी की समस्या रहती है तब आप इसका सेवन ना करें। इसके उपयोग के बारे में बता दूं कि इसका उपयोग आप सूप, उबले हुए आलू, चावल के साथ मिलाकर भुरक कर इस पर खा सकते हैं। जावित्री का इस्तेमाल कई तरह की सब्जियों में भी किया जाता है। आप इसे मसाला चाय या मसाला दूध बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। जावित्री मसाले का उपयोग खाना, अचार और सॉस बनाने में भी किया जाता है। आप इसको मिठाई में या मफिन, केक में, विभिन्न प्रकार के ब्रेड में बनाकर भी मिलाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। आप इसका फेस पैक बनाकर भी अपनी त्वचा को चमकाने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप जावित्री के फ़ायदे और नुकसान, साथ ही साथ इसके उपयोग के बारे में भी जान गए होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।